कैमरामैन जल्दी फोकस करो। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपने इस तरीके का वीडियो इंस्टाग्राम रील्स पे देखा होगा जो कि काफ़ी तेज़ी से ट्रेंड पे चल रहा है। तो दोस्तों, आप भी इस तरीके का वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को आपको यहाँ पे लास्ट तक देख लेना है। और इस वीडियो को बनाने के लिए आपको यहाँ पे दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, पहले का नाम है VPN और दूसरे का नाम है कैपकट। तो VPN प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना और कैपकट आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद करने क्या है गाइस, आपको यहाँ पे सबसे पहले VPN कनेक्ट कर लेना है। VPN कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना कैपकट एप्लीकेशन ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपना कैपकट एप्लीकेशन ऐप को ओपन कर ले रहा हूँ। तो जैसे गाइस देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अपना कैपकट एप्लीकेशन ऐप को ओपन कर लिया है। तो ओपन करने के बाद दोस्तों आपको करने क्या है, यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर टैप कर देना है। टैप करने के बाद दोस्तों आपको करने क्या है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको ये वाला एक लिरिक्स वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले डाउनलोड करने के बाद अब आपको करने क्या है, आपको यहाँ पे फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाना है। इसका फॉर्मेट आपको 9x16 पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको लास्ट पे आना है, देना इस ऐड पे क्लिक कर देना है, प्लस पे क्लिक कर देना और फोटो के ऑप्शन पे जाके दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी इस तरीके से 15 फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे काउंट करके अपना 15 फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपनी 15 फ़ोटो को इस तरीके से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो आप भी अपनी 15 पिक को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों करना ही क्या है, आपको सभी फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके दोनों उंगली से प्रेस करके इस तरीके से आपको यहाँ पे जूम कर लेना है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों इन सभी फ़ोटो को आपको जल्दी से जूम करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अपनी सभी फ़ोटो को फुल स्क्रीन पे ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद स्टार्टिंग पे आना है आपको, देन आपको यहाँ पे ऐड आईडी के ऊपर क्लिक कर देना है, एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक कर देना, देन आपको यहाँ पे ये वाला वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से आगे इसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद इसका आईडी आपको यहाँ पर निकाल लेना है। आईडी निकालने के बाद आपको करने क्या है, यहाँ पे आपको फ़ोटो की लेंथ को सेट कर लेना है। तो आपको फर्स्ट फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है, इसकी फ़ोटो को लेंथ को आपको 0.8 पे सेट कर लेना है। तो आपकी जो फर्स्ट फ़ोटो रहेगी उसकी लेंथ आपको 0.8 पे सेट कर लेना है और आपकी जो भी बाकी की फ़ोटो रहेगी उन सभी फ़ोटो की लेंथ को आपको यहाँ पे 0.6 पे सेट कर लेना है। तो आपको यहाँ पे बाकी सभी फ़ोटो की लेंथ को आपको यहाँ पे 0.6 पे सेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी से आपको यहाँ पे इन सभी फ़ोटो को लेंथ की सेट करके आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसा कि दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सभी फ़ोटो को फुल यहाँ पे सभी फ़ोटो की लेंथ को सेट कर लिया है। सेट करने के बाद स्टार्टिंग पे आना है, फर्स्ट फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है, देन एनिमेशन पे क्लिक कर देना। अगर दोस्तों आपका VPN कनेक्ट नहीं रहेगा तो आपका यहाँ पे एनिमेशन शो नहीं होगा। तो आपको पहले VPN कनेक्ट करके रखना है। तो आपको एनिमेशन पे जाके कॉम्बो पे क्लिक कर देना है और कॉम्बो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना ही है, आपके यहाँ पे फर्स्ट फ़ोटो पे आपको ये वाला एनिमेशन आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो आपको यहाँ पे ये वाले एनिमेशन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो ये बाउंसिंग रोस वाला सिलेक्ट कर देना, सेकंड फ़ोटो पे भी आपको ये वाला बाउंसिंग रैप वाला सिलेक्ट कर देना है। तो आपको इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको दोस्तों करने के आपको यहाँ पे काउंट कर लेना है। आपकी जो 6 नंबर की फ़ोटो पड़ेगी तो आपको यहाँ पे इस तरीके से काउंट करके आपको 6 नंबर की फ़ोटो पे आ जाना है। उस फोटो के ऊपर क्लिक करना है, एनिमेशन पे जाना, देन कॉम्बो पे क्लिक कर देना है। कॉम्बो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दूसरे नंबर वाला एनिमेशन आपको यहाँ पे डायनेमिक शेक वाला सिलेक्ट कर देना है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आपको काउंट कर लेना है। अब जो आपकी 10 नंबर की फ़ोटो पड़ेगी आपको उस 10 नंबर की फ़ोटो पे आ जाना है। तो इस तरीके से आपको 10 नंबर की फ़ोटो पे आके इसी वाले एनिमेशन को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अब आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पे आ जाना है। अब आपकी जो तीसरे नंबर की फ़ोटो है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एनिमेशन पे जाना है, देन कॉम्बो पे क्लिक कर देना। और कॉम्बो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अब करने ही है, आपकी यहाँ पे जितनी भी फ़ोटो पे आपका अब एनिमेशन ऐड नहीं है उन सभी फ़ोटो पे आपको करने ही है, आपको यहाँ पे दो एनिमेशन को ऐड कर देना है। पहले पे डेस्ट्रॉयड राइट को सिलेक्ट करना है और सेकंड पे जो फ़ोटो पड़ेगी उस पे आपको डेस्ट्रॉयड लेफ्ट पे सिलेक्ट कर देना है। तो आपको जितनी भी फ़ोटो पे आपको यहाँ पे जो एनिमेशन ऐड नहीं है उन सभी फ़ोटो पे आपको यहाँ पे नंबर बाय नंबर इन सभी पे आपको एनिमेशन को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं इन सभी फ़ोटो पर नंबर बाई नंबर ये वाले एनिमेशन को आपको जल्दी से ऐड करके यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मैंने इन सभी फोटो पे ये नंबर बाय नंबर एनिमेशन को ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद अब आपको करने क्या है, सिंपली आप यहाँ पे स्टार्टिंग पे भी आ सकते हैं। स्टार्टिंग पे आने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है, देन ओवरले पे क्लिक कर देना, ऐड ओवरले पे क्लिक कर देना है। ऐड ओवरले पे क्लिक करने के बाद वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ही वाला टेम्पलेट वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से आपको यहाँ पे दोनों उंगली से प्रेस करके फुल स्क्रीन पे आपको इस वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है, एडियो इसका म्यूट कर देना है। एडियो म्यूट करने के बाद करने क्या है, आपको इसके इस प्लेस पे जाना है और इसको आपको यहाँ पे लाइटन पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है, तो यहाँ पे दोस्तों लाइटन पे क्लिक कर देना, देन टिक कर देना है, और इसके लास्ट के ऑप्शन पे आके आपको यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करके इसका एक्स्ट्रा भाग आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों देख सकते हो वीडियो कम्प्लीट तैयार हो गया है। तो इसको सेव करने के लिए एरो ऊपर अपना क्लिक कर लेना, एरो ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज का वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे द्वारा डाले गए इसी तरीके का नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।